जैसा कि आपको पता है गाइस, मार्केट में जो पीसीज की प्राइस है या बोल सकते हो पीसी कंपोनेंट्स की प्राइस है, काफी ज्यादा हाइक हो रखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर प्राइस हाइक हो रखी तो आप एक 25,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड नहीं बना सकते। जी हाँ, आप 25,000 के अंदर भी ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड बना सकते हो जिसमें आप 1080p लेवल की गेमिंग तो इजिली कर ही सकते हो। सो हे गाइस, मैं अगर बात देखे तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 25,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड जिसके अंदर आप GTA 5 जैसे गेम्स तो इजिली 1080p पे खेल ही सकते हैं। तो गाइस चलिए करते हैं शुरू। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हम इसके अंदर एक डेडिकेटेड GPU नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे हमारा उतना बजट नहीं है, एंड जो भी डेडिकेटेड GPU की प्राइसेस है वो काफी ज्यादा मार्केट में हाइप रखी है। मतलब आप बोल सकते हो जो GPU है वो डबल अपने प्राइसेस पे बिक रही है, जितनी इनकी वैल्यू ना उससे डबल प्राइसेस पे बिक रही है। तो गाइस अभी के टाइम पे डेडिकेटेड GPU लेना बिल्कुल सही नहीं होगा, वो भी एक न्यू GPU तो बिल्कुल लेना सही नहीं होगा। बिकॉज इसलिए हम इसमें क्या यूज करने वाले, इसमें हम एक APU यूज करेंगे। और जैसे APU पता होगा आपको Ryzen की तरफ से आता है, तो जी हाँ, हम इसके अंदर यूज करेंगे Ryzen 3 3200G। गाइस ये जो प्रोसेसर है 4 कोर 4 थ्रेड के साथ आता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो गाइस इसके अंदर आपको एक वेगा 8 के GPU मिलते हैं। जो वेगा 8 का GPU गाइस वो काफी ज्यादा तगड़ा है, आपको इजीली 1080p लेवल की गेमिंग करा देगा। मतलब APU होता क्या, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। आप बोल सकते हो ये एक GPU और CPU का बोल सकते हो आप एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको बिना डेडिकेटेड GPU के आपको गेमिंग इजीली करा सकता है। तो इसलिए गाइस इसमें हम एक 3200G यूज करने जा रहे हैं जो कि आपको 1080p लेवल पे गेमिंग भी कराएगा, एंड साथ ही साथ में आपके CPU हैवी टास्क भी करा देगा। मतलब आप बोल सकते हो वीडियो एडिटिंग करनी 1080p पे तो कर सकते हो इजीली। अब गाइस बात करें मदरबोर्ड की, तो गाइस मदरबोर्ड के अंदर हाँ वही हमारा A320 मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं। गाइस मदर की बोर्ड की बात करूं तो कोई भी A320 मदरबोर्ड आप ले सकते हो, MSI का ले सकते हो, गैलेक्स का ले सकते हो, आजूस का ले सकते हो, मतलब गीगाबाइट का, कोई भी आपको जो भी कम प्राइस में मिल जाए आप ले लेना। अपनी तरफ से देख लेना कि वो कौन सा सस्ते में आपके ऑफलाइन मार्केट में मिल जा रहा है, उसे जाके आप ले सकते हैं। गाइस बात करूं रैम की, तो हाँ रैम हमेशा की तरह हम 8GB यूज करेंगे, वही डाटा की D30 रैम जो कि 3000 MHz पे आती है। अभी ऑनलाइन काफी ज्यादा उसकी प्राइस हाइक हो रखी है, लेकिन ऑफलाइन पता करोगे तो आपको ऑनलाइन से बोल सकते हो आपको 200-300 रुपये सस्ता ही मिलेगा, महंगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में अगर आपको ये डाटा की रैम नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप एक HyperX की रैम आते वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ना आप कोई भी एक ब्रांडेड रैम ले लेना जो कि हीट सिंक के साथ आए और आपको 8GB की और 3000 MHz तक का निकाल के आपको इजिली परफॉर्मेंस दे दे, मतलब 3000 MHz पे वो क्लॉक हो। अब गाइस बात करें स्टोरेज की, देखा आपको पता होगा हार्ड डिस्क मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता। हाँ जी हाँ, मैं आपको हार्ड डिस्क नहीं रिकमेंड करूंगा इस बार भी, आपको एक बार SSD रिकमेंड करूंगा। 240GB की पता है 240GB कम होती है, लेकिन गाइस अभी SSD लगाओगे तो आपका बूट टाइम काफी कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्नैपी हो जाएगी, एंड काफी ज्यादा आपको CPU चलाने में मजा आया, आपको फील होगी कि हाँ मेरा जो PC है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। लेकिन वही हार्ड डिस्क लगाओगे स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन बात करूं तो आपका जो परफॉर्मेंस वो एकदम स्नैपी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक 240GB के SSD लेना, WD की ले सकते हो, गैलेक्स की ले सकते हो, कोई भी ले लेना जो भी आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि SSD बोल सकते हो लगभग जो सेम बजट की रहती है ना, 100-200 लगभग सारी सेम ही स्पीड की आती है। बात करूंगा इस पावर सप्लाई के, तो पावर सप्लाई भी आप कोई भी ले सकते हो 2500 के अंदर, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लाइक एनटेक बनाती है और भी काफ़ी सारी कंपनियां बना रही है, मतलब जो कि ब्रांडेड मैं बोल रहा हूँ पावर सप्लाई वो बना रही है। 450 वाट की आपको लेनी है पावर सप्लाई, ब्रांडेड पावर सप्लाई लेनी है। कुछ कुछ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ऑप्शन, कुछ कुछ अगर मेरे को अफिलिएट लिंक मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वरना आपको यहाँ तो इमेज दिख ही रही होंगी आपको कौन सी लेनी है। बस रिमेंबर दिस कि आपको 450 वाट की लेनी है एंड ब्रांडेड ही लेनी है। अब गाइस बताऊँ आपको कैबिनेट के बारे में, गाइस कैबिनेट हाँ जी हाँ, मैं आपको इस बजट में एक 8GB कैबिनेट रिकमेंड करने वाला हूँ। हाँ गाइस, इसके अंदर हम यूज़ करने वाला है एनटेक की i100TG। गाइस ये जो कैबिनेट है गाइस ये आपको 2500 के आसपास इजीली मिल जाती है, और ये कैबिनेट रिकमेंड करने का एक ही मकसद है क्योंकि गाइस अभी ये कैबिनेट ले लोगे ना, बाद में आप इसमें फैन लगा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा एक कैबिनेट दिखने लग जाता है। सामने की तरफ आपको पूरा ट्रांसपेरेंट पैनल मिलता है, जिस चलते गाइस यहाँ पे आप 3 RGB ARGB जैसा भी फैन चाहो आप लगा सकते हो, जिसके चलते इसकी लुक है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है आगे चल के। तो गाइस आपके पास जैसे जैसे पैसे आते जाना आप इसके अंदर फैन लगा सकते हैं, इसकी लुक को और तगड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, मैंने रिसेंटली एक लैपटॉप सेटअप भी बिल्ड किया, आप देख सकते हैं इमेजेस यहाँ पर। और ये लैपटॉप सेटअप मैंने कैसे बिल्ड किया या क्या क्या मैंने इसके अंदर क्या या क्या क्या लैपटॉप की सब्सक्रिप्शन है सब कुछ जाना है तो वो भी कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वरना ये वीडियो आपको कैसी लगी वो तो कमेंट आपको करना ही है। और गाइस साथ ही साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना मत जाना, साथ ही साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।